भारतीय किसान यूनियन असली के पदाधिकारियों ने गुरुवार को किसानों की विभिन्न समस्याओं को लेकर कलेक्ट्रेट पर जोरदार धरना प्रदर्शन किया। धरने के बाद यूनियन द्वारा जिलाधिकारी के माध्यम से राज्यपाल को ज्ञापन देकर खाद और कीटनाशक के बड़े दाम को वापस लेने की मांग की। यूनियन के जिला अध्यक्ष वीर सिंह बिश्नोई ने कहा कि प्रदेश सरकार की नीतियों के कारण किसान परेशान है। किसान पहले से ही बड़ी महंगाई से परेशान है। सरकार डीएपी खाद और कीटनाशक दवाओं के दाम लगातार बढ़ा रही है, जिससे किसान परेशान है। वहीं सरकार आए दिन डीजल के दाम बढ़ा रही है, जिससे किसानों को सिंचाई में दिक्कत हो रही है। उन्होंने कहा कि जिले में कम बारिश होने से किसान के धान की फसल सूख रही है। सरकार जिले को सूखाग्रस्त घोषित कर किसानों के ऋण को माफ करे। किसान यूनियन के पदाधिकारियों ने एक सुर में कहा कि यदि सरकार किसानों की विभिन्न समस्याओं को दूर नहीं करती है तो किसान यूनियन बड़ा आंदोलन करेगी। बाकी असली जिला अध्यक्ष किस मामले को आप लोगों ने ज्ञापन दिया? एक तो पूरे उत्तर प्रदेश को सूखाग्रस्त घोषित करा जाए और सूखाग्रस्त घोषित करते हुए 15,000 प्रति एकड़ का मुआवजा दिया जाए किसान को, और कृषि संबंधित जितने भी बिल हैं, ऋण हैं, उन्हें माफ किया जाए। और एक मीटर जो लग रहे हैं ये ट्यूबवेलों पर, इनके बारे में हमारी मांग ये है कि ये ख़त्म करे जाए। एक 2022 बिल है वो केंद्र सरकार ने पास करा था। हमारी मांग है राज्यपाल जी से भी और महामहिम राष्ट्रपति जी से भी कि इसको तत्काल प्रभाव से निरस्त किया जाए। जो ज्ञापन दिया आपने किसको भेजा आपने? राज्यपाल जी को और महामहिम राष्ट्रपति जी को भेजा।